जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय एनीथिंग पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंडियन आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे हर रोज आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल। ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, ईरान का पुराना नाम क्या है? तो ईरान का पुराना नाम पर्सिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पर्सिया। ठीक है, पर्सिया को ही ईरान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद स्वामी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो है गेहूं, गेहूं एक रबी फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, कयाक है? तो कयाक एक प्रकार का नौका है, यानी कि नाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार का नौका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, हडसन नदी किस शहर में बहती है? तो हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर में बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, सबेस्टल बेटल निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं मोटर खेल से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोटर खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं तो अगली वीडियो में आपका अनाउंस किया जाएगा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, मोंटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मोंटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से भारत की किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? यानी कि भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है, तो वह है G9 की सदस्यता भारत को प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, G9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर दस है, भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम निशांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निशांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हर रोज प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1920। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। ठीक है, और पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? यानी कि अजंता और एलोरा ये दोनों गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ होती है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया हाइड्रोजन बम में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन बम में। और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आर्गन गैस भरा जाता है, कौन सा? आर्गन।
ठीक है, और जो चमकीले बल्ब होते हैं उनमें नियोन गैस भरा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अस्थाई वस्तु में क्या होता है? तो एक अस्थाई वस्तु जब किसी जगह पे है तो उसमें ऊर्जा रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि तरंगों की गतिशीलता तभी संभव है जब वह पर हो, तो कहाँ पर हो? तो माध्यम में हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माध्यम में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 69 शीशे में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो होता है प्रतिबिंबी और सीधा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंबी और सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्नियर केपलर्स का अपवर्तनांक होता है, तो वर्नियर केपलर्स का अपवर्तनांक 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर अगला है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई न्यूटन होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस किरण की तरंगीय लंबाई सबसे कम होती है? तो होती है अल्फा रे, यानी कि अल्फा किरण की तरंगीय लंबाई कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्फा रे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाई ऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया था? तो वो किया था मेंडलीफ ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेंडलीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो वो होता है 6.024, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6.024। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है C4H10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, C4H10 को ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो वो बनेगा जल, यानी कि H2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि इस समय इंडिया में कौन सी ऐसी दवा है जो बहुतायत में उत्पादित की जा रही है, और उसके लिए सारे देश इंडिया से उस दवा की गुहार लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको उस दवा के नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रोज प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।